हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं विंटर स्पेशल पालक के पराठे। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पालक के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, छोटा आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। एक अदरक का टुकड़ा हमने छील करके बारीक कट करके रखा है, ये हम ऑयल में डाल देंगे। आप अगर लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। दो मीडियम साइज की हरी मिर्च हमने कट करके रखी हैं, सब हमने रफली कट करके रखा है। अदरक और हरी मिर्च को हमने भून लिया है। हमने यहाँ पे पालक धो के कट करके रखा है, रफली चॉप करके रखा है। पालक को भी डाल देंगे। एक कटोरी हमने हरा धनिया कट करके रखा है, अच्छी तरह से धो लिया था और रफली कट कर लिया है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक के पराठे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। आइए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा चम्मच हमने डाला है हरा धनिया पाउडर, छोटा आधा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो एक चम्मच भी डाल सकते हैं। अभी हम नमक सिर्फ पालक के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आटे में हम बाद में भी नमक डालेंगे। सभी मसालों को पालक में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पालक और मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और देखिए पालक अच्छी तरह से गल भी गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को ठंडा होने देंगे। पराठों के लिए पालक ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। पालक का हमने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। जिस भी बर्तन में आटा लगाना है उसमें पीसे हुए पालक को निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे डाल दी है आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे अजवाइन डाली है। एक चम्मच के आसपास हींग डाल देंगे। अगर आप लहसुन प्याज यूज में ले रहे हैं तो आप हींग मत डालिए, वरना आप हींग भी डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दो चम्मच हमने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इससे पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और अब हम डाल देंगे एक कप गेहूं का आटा। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। साथ ही हमने डाल दिया है मोहन के लिए एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। पालक के पराठे बनाने जा रहे हैं। पालक में हमने नमक डाल दिया था, अब हम आटे के हिसाब से थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए पानी नहीं डाला है हमने, अब हम इसमें गेहूं का आटा और डाल लेंगे। हमने एक कप आटा लिया था, लगभग सारा आटा हमने डाल लिया है। देखिए पालक के पराठे बनाने के लिए हमारा आटा लग के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने बहुत ही मलमल के आटे को लगाया है, एकदम सॉफ्ट आटा लग के तैयार हुआ है। आइए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह का आप पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज की आप लोई ले लें। ये देखिए मैंने आटा इस तरह से ले लिया है और गोल कर लिया है। आइए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सूखा आटा लगा लेंगे। गोल रोटी बेल के हमने तैयार कर ली है। ऑयल लगा देंगे, फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ऑयल लगा देंगे और फिर से फोल्ड कर देंगे। वापस से सूखा आटा लगा लेंगे। आइए पराठे को बेलना स्टार्ट करते हैं। हमने पराठे को बेल लिया है और तवा भी गर्म हो चुका है, आइए सेकना स्टार्ट करते हैं। आज हमने पराठा बनाने के लिए आयरन का तवा लिया है। बनाया हुआ पराठा हम आयरन के तवे पर डाल देंगे और सिकने देंगे। जब तक एक तरफ से पराठा सिक नहीं जाएगा तब तक हम साइड चेंज नहीं करेंगे। हमने पराठे की साइड भी चेंज कर दी है। पराठा एक तरफ से सिक चुका है, ऑयल लगा देंगे।
साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे पराठे का और पराठा फूल भी गया है। हमारा पालक का पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। दोनों साइड से हमने बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। सभी पालक के पराठे बना के हमने तैयार कर लिए हैं। गर्मा गर्म हमारे पालक के पराठे बनके बिल्कुल रेडी हैं। आइए सर्व कर देते हैं। पालक के पराठे बनके बिल्कुल रेडी हैं और हमने गर्मा गर्म सर्व भी कर दिए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो फ्रेंड्स पालक के पराठे बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।